राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में भले ही आलाकमान ने सुलह कराने की बात कही हो, सचिन पायलट में भले ही अभी तक किसी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आलाकमान के आश्वासन पर सचिन पायलट चुप होकर बैठ गए। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सचिन पायलट जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं और क्या सब प्लान बना रहे हैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। जानकारी के मुताबिक कुछ महीनों पहले से ही पायलट ने राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की मदद ले रहे हैं। प्रशांत किशोर की कंपनी युवाओं को राजनीति की ओर आकर्षित करते हुए सोशल मीडिया पर विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के जरिए यूथ आइकन को प्रमोट करने और लीक से हटकर राजनीति करने के सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को जबरदस्त रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुल 80 सीटें हैं और कुल 80 सीटों पर दाव खेलने की तैयारी है, जहां पायलट को भरपूर प्रमोट किया जा रहा है। मतलब प्रशांत किशोर का साथ पायलट को सीधे तौर पर मिल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सचिन पायलट के समर्थक और एक कांग्रेस नेता के अनुसार आने वाले दिनों में सचिन पायलट राजस्थान के कई जिलों में दौरा करने वाले हैं। इस दौरा के जरिए वे जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सचिन पायलट का क्रेज कई जिलों में है, भीड़ उनके नाम से खींची चली आती है। सचिन पायलट के दौरे का रोड मैप प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक तैयार कर रही है। रूट फाइनल होते ही सचिन पायलट दौरे का ऐलान कर देंगे। फिलहाल नई पार्टी के प्लान को स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस में रहकर ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर ग्रामीण, अलवर और भिलवाड़ा सहित कुछ अन्य जिलों की 40 सीटों में पायलट का खासा प्रभाव है। अधिकतर सीटें गुर्जर बाहुल्य है, लेकिन अन्य सीटों पर भी सचिन पायलट का क्रेज काफी देखा जा रहा है। पायलट केवल इन 40 सीटों पर ही नहीं बल्कि डबल टारगेट को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने आईपैक को 80 विधानसभाओं का प्लान बनाने को कहा है। चूंकि सचिन पायलट राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनकी छवि न केवल राजस्थान बल्कि देश के कई राज्यों में भी है। ऐसे में जिलों के दौरे का विशेष प्लान बनाया जा रहा है। प्लान के तहत सभाओं और रैलियों के साथ पैदल मार्च भी किया जाएगा। खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के लिए आईपैक से 100 लोग वर्तमान में काम कर रहे हैं पायलट के साथ मिलकर, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 1100 लोगों को और नियुक्त किया जाएगा जो पायलट के साथ मिलकर काम करें। कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाले दिनों में पायलट राजस्थान की राजनीति में बड़ा धमाका कर सकते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि सचिन पायलट और कांग्रेस के बीच दूरियां इतनी बढ़ी जा रही है कि अब यह मायने नहीं रखता कि 2018 में इस पार्टी को सत्ता में लाने में उनकी अहम भूमिका थी। बीजेपी नेताओं के ऑफर के बावजूद सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होने का मन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य सीएम बनना है और बीजेपी में इस पद के लिए पहले ही नेताओं की लंबी लिस्ट है। ऐसे में सचिन पायलट नई पार्टी बनाने की ओर इतना जल्दी कदम नहीं बढ़ाएंगे। सचिन पायलट कर्नाटक चुनाव के परिणाम को भी देख चुके हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी के लाख कोशिशों के बावजूद प्रचंड जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस हाईकमान और गांधी परिवार ने सचिन पायलट की मांग मान ली है या नहीं, यह अभी तक सामने नहीं आया है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं को साथ लाकर कहा कि दोनों साथ हैं और साथ में चुनाव भी लड़ेंगे, इनमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो दोनों नेता साथ खड़े थे और चुपचाप खामोश दिखे। उनसे कई सवाल किए गए लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे सके। लेकिन देखना अभी भी दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट की राहें जुदा होने से कांग्रेस कब तक रोक पाती। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।